भाई साहब आप सबके प्यार की वजह से देखो हम दोनों भाई फिर से मिल गए हैं। अभी ये समझ नहीं आ रहा पंडित जी भाई को ज्ञान दे रहे हैं भाई गुलचन भाई पंडित जी को ज्ञान दे रहे हैं। तो वो सामने पहाड़ी पर है भद्राज जी का मंदिर और यहाँ पे एक ही दिन में दूसरा मुहूर्त करने वाले होते हैं गुलचन जी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। और हम लोगों ने अपना सामान पैक करके निकल गए हैं फिर से। मीनू बोलती है कि मुझे ऐसा पति चाहिए था जो एक आवाज़ में निकल पड़े। मैं बोलूं चलो तो चलो, तो हम भी चल पड़े भाई। फिलहाल निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। डाले में सामान सेट कर लिया सारा, कैंपिंग वैम्पिंग का, खाना बनाने का, तो बार बार क्या दिखाना, हर बार डाले में सेम ही सामान रहता है। तो अभी रास्ते में मिलेंगे गुलशन जी, अभी हम उनको फरीदाबाद के आसपास कहीं मिलते हैं या आगे मिलते हैं वो एक बार टाई अप कर लेंगे। फिलहाल प्लान ये है कि हरिद्वार जाएंगे, वहाँ पे गंगा स्नान करेंगे, फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो जयपुर की तरफ से दिल्ली मुंबई वाले एक्सप्रेस वे पे चढ़ते ही भाई आजकल देखो ये मैकडी और ये सब ऑप्शंस आ गई हैं, तो खुल गया शायद, ऑपरेशनल है मैकडी। हाँ ऑपरेशनल मैकडी है, पेट्रोल पम्प भी है। तो ये धीरे 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 जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी इस पूरे रूट के ऊपर। बिल्कुल फॉरेन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बन रहा है। हाईवे से नीचे उतर के रेस्ट एरिया और पूरा उसको क्या बोलते हैं, एक खाने पीने वाली पूरी जोन रहती है। तो बढ़िया भाई, शानदार। गाड़ी ने रेंज दिखानी कर दी बंद, मतलब रेंज देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा। और जो सुई है उसकी वो जो मार्किंग है तेल की वो भी ख़त्म हो गई है। फाइनली हम पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, हरियाणा का पहला पंप। यहाँ से हम भराएंगे तेल, एज यूजुअल हरियाणा के तेल से हमारा जो प्यार है ना भाई। ये जो 4B उतर रहा है ये तो उतर जाएगा गाजियाबाद के लिए, इससे थोड़ा सा आगे चल के 4A है जो नैनीताल के लिए हम हमेशा उतरते हैं, वो आ जाएगा 4A। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार तो हम 4A पे भी नहीं उतरेंगे, हम उससे भी आगे उतरेंगे। अभी आने वाला है 4A, वो आपको दिखाता हूँ। ये आ गया 4A, ये वाला उतरता है, ये वाला जो है ये उतर जाता है जब नैनीताल हापुड़ जाना हो तब। तो अब हम सीधा निकल गए, अब हम उतरेंगे इससे नेक्स्ट वाले से। ये मैप्स में देख के आपको समझ में आ रहा होगा जो अभी हमारे को पकड़ना है NH3, तो हम इसको थोड़ा सा आगे से क्रॉस करके फिर चढ़ेंगे लूप से। ये सामने ये दिखाई देगा, ये जा रहा है मेरठ वाला रोड, मेरठ हरिद्वार वाला रोड। अब हमारे को इसके ऊपर चढ़ के राइट जाना है, तो इसको क्रॉस करेंगे फिर एक लूप से चढ़ेंगे। भाई घर से चले थे 8:15 बजे, टाइम हो गया लगभग 12:30 बजे का। हम लोग रुके हैं यहाँ पे एक हल्दीराम और ये सब फूड कोर्ट वगैरह हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ खाएंगे। गर्मी हो रही है भाई ज़बरदस्त, और आप सोच रहे हो कि मैंने ये सब टी शर्ट क्यों पहन रखी है, मतलब अभी तो मैं नीचे निक्कर पहन रखी है, वो इसलिए पहन रखी है ताकि गंगा जी में डुबकी लगा सके, तो वहाँ जाके चेंज ना करना पड़े। तो घर से ही ऑलरेडी उस हिसाब से तैयार होकर आए थे कि जाएंगे और सीधा गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। इस वाले हल्दीराम पे भी भाई यही सीन है, आप स्कैन करो और पे करो और ऑर्डर हो जाएगा। मतलब पहले जो इसका तजुर्बा, अपनी गाड़ी देखो खड़ी वहाँ पे सामने दिखाई दे रही होगी, गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। ये जो तजुर्बा है ना भाई, पहले तो हमारा बहुत गलत रहा था, कहाँ पे खाया था ध्यान नहीं आ रहा। एक जगह कहाँ जा रहे थे अपन? हमने पठानकोट में या कहीं खाया था, सेम यही खाया था। अच्छा तुम कन्फर्म? मुझे ध्यान नहीं था, पठानकोट में खाया था भाई, वहाँ का तजुर्बा तो सही नहीं रहा था, क्योंकि अपन जो ऑर्डर कर रहे थे वो ऑर्डर प्लेस हो रहा था लेकिन वो चीज़ थी नहीं, ये नहीं था इसके बदले ये ले लो वो ले लो। यहाँ भी देखते हैं, ऑर्डर तो अपन ने प्लेस कर दिया है, मतलब स्कैन नहीं किया, डायरेक्ट उसी को बोल के किया, कितनी देर में आता है वो देखता है। तो आज हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। हमने मंगाया है भल्ले पापड़ी, दही भल्ले क्या, भल्ले पापड़ी और एक एग्जीक्यूटिव थाली। इस थाली में नान, रोटी, सब्जी, दाल, रायता, बहुत सारी चीज़ें भाई। भाई यूपी के गन्नों में जो स्वाद है ना राजस्थान में नहीं मिलता। भाई के पास हम रुके हैं, यहाँ पे बनवाया गन्ने का जूस, इतना मीठा है भाई मज़ा आ गया। राजस्थान में तो अपन क्या मतलब पीते हैं, लेकिन वो बात नहीं भाई, गन्ना तो यूपी का ही है ना एक्चुअली, तो जितना बढ़िया गन्ना होगा उतना ही बढ़िया जूस होगा। अभी रुक रहे हैं यहाँ पे, गुलशन जी आएंगे, गुलशन जी का वेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे यहाँ से एक साथ ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट पीछे ही हमसे वो लोग। तो गुलशन भाई मिल गए, भाई साहब आप सबके प्यार की वजह से देखो हम दोनों भाई फिर से मिल गए हैं, इतनी जल्दी मिल गए हैं। तो पहुँच गए भाई हरिद्वार और वापस से वही वाला टूर कंटिन्यू हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग सिर्फ घर में कपड़े धोने और बस सच्चाई यही है, गाड़ी वाड़ी को एक बार वापस से वो करने गए थे, गाड़ी की वॉशिंग कराई है, कपड़े वॉश करे हैं, दोबारा बैग पैक करे और निकल गए हैं।
तो अभी पहुंच गए हरिद्वार, जा रहे हैं हर की पौड़ी, गंगा स्नान करेंगे भाई, जो थोड़े बहुत पाप कर रखे हैं उनको धो डालें, क्यों जी? बिल्कुल सर, नए भी तो करने हैं ना यार। नए भी तो करने हैं भाई। बहुत साल पहले आया था हरिद्वार, मतलब काफ़ी कुछ तो लगभग वैसा ही है, बाकी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, कुछ कुछ ध्यान आ रहा है। यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी जिसपे कुछ खाने पीने का मिलेगा, बाकी गुलशन भाई को सब पता ही है, गुलशन भाई लेकर जा रहे हैं एकदम अपडेटेड। काले गुलाब जामुन आपने कहीं पे भी नहीं खाए होंगे देखो जी भाई, फुल खाने पीने की मौज हो रखी है। ये वो वाला पेड़ आ गया, वो इसको पानी में डालो हरा हो जाएगा, मैंने कहा पानी में डालो हरा हो जाएगा। ये देखो समोसे, क्या शेप है भाई, खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए तो मौज है मौज। तो गुलशन जी हमारे को स्पेशली लाए हैं आलू पूरी खिलाने के लिए। देखो पूरी भाई साहब बढ़िया शानदार, ये पत्ते के ऊपर आलू की सब्जी, साथ में क्या पेठे, पेठा। अच्छा ये सूखे आलू हैं, ये गीले आलू हैं, ये पेठा है। हाँ जी, ये कौन सा आलू है? सूजी का आलू, सीताफल, जीरा आलू, तरी आलू। तरी आलू, तो ये आज की व्यवस्था है भाई खाने की, शाम के लिए स्नैक्स मान लो इनको। लेकिन गुलशन जी ने आज लंच किया नहीं था तो इनका लंच मान लो, तो बहुत भूख लगी है। अभी फिलहाल खाना खाएंगे, ये सब चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद जाएंगे नहाने। तो भाई कांजी वड़ा खा लिया और अपन ने क्या खाया, चाट खा ली, बहुत ही मशहूर दुकान थी। लेकिन अपना क्या पेट भरा हुआ इसलिए भाई, मतलब सही स्वाद का अपन जस्टिफिकेशन दे नहीं सकते, भरे पेट में तो वैसे भी स्वाद कम ही आता है। बाकी हाँ ये है कि मशहूर बहुत है, ठीक है, कांजी एक डाइजेशन के लिए बढ़िया चीज़ है तो अपन ने पी ली है। ये है भाई मोहनपुरी वाले जो कि यूट्यूब पे बहुत मशहूर है, वैसे भी बहुत मशहूर है, खैर हमारा तो पेट भरा हुआ है भाई। और हम पहुंच गए हैं हर की पौड़ी और स्नान करेंगे। ये है भाई भीड़ देखो हर की पौड़ी पे, ये आरती का टाइम होने वाला है, 6:40 पे आरती होती है, अभी अभिषेक शुरू होगा। पंडित जी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं गुलशन जी को कि क्या करेंगे पता नहीं कर, बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी स्नान करने। और भीड़ देखो भाई, लोग बैठ गए हैं पूरी आरती के लिए। तो आरती के लिए भाई पब्लिक बैठ गई है सीढ़ियों पे, देखो आप भीड़, ये जबरदस्त भीड़ हो गई है। इस टाइम जब आरती स्टार्ट होने वाली होती तो मना करते हैं कि स्नान मत करो क्योंकि आरती शुरू होने वाली है। और सामने की तरफ भी आप देखोगे उधर भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ये देखो इस तरफ भी काफ़ी भीड़ है। अभी ये समझ नहीं आ रहा पंडित जी भाई को ज्ञान दे रहे हैं भाई गुलशन भाई पंडित जी को ज्ञान दे रहे हैं, ये समझना थोड़ा टिपिकल है। बाकी आरती शुरू होने का समय हो गया भाई, गंगा मैया के जयकारे लगने शुरू हो गए हैं और वहाँ पर टीवी में थोड़ा सा क्लियर दिखता है बट खूबसूरत रास्तों से होते होते हम पहुंच गए एक लोकेशन के ऊपर। अभी आपको नहीं बता पाऊंगा मैं कि क्या लोकेशन है कैसे, अभी समझ नहीं आएगा। और रास्ता जो है वो आपको मैं सुबह दिखाऊंगा, मतलब दिन में दिखाऊंगा क्योंकि रात को भी समझ नहीं आता, पूरा जंगल एरिया। फिलहाल हम जहां आए हैं वहां पे बना रहे हैं खाना, खुद ही खाने की तैयारी चल रही है किचन में, मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। स्नेहा भाभी और मीनू लगे हुए हैं किचन में, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। अभी बनाएंगे चावल क्योंकि पुलाव बनाएंगे, मतलब रात के हो गए 10:45। ये देखो टाइम काफ़ी लेट हो गया, रास्ते में रुकते रुकाते आए थे इसलिए टाइम लग गया। बाकी आपको कल सुबह इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, तब दिखाएंगे यहाँ के नज़ारे। तो वो सामने पहाड़ी पर है बद्राज जी का मंदिर, वो सामने थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ। ये हमारी लोकेशन थी भाई जहाँ पे हम रात को रुके थे, तो मैंने इसीलिए कहा था कि रात को समझ नहीं आएगा दिन में समझ आएगा। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है। तो रात को भाई हम लोग 12-1 बजे तक हम आराम से गप्पे वप्पे मारते रहे, आराम से सोए, खूब बढ़िया नींद, पूरी थकान दूर कर ली, बढ़िया नींद ली। 12 बज गए अभी उठे हैं आराम से, मतलब उठ तो गए थे 9 बजे के आसपास, अभी नाश्ता वास्ता करेंगे फिर थोड़ा बहुत घूमने के लिए निकलेंगे। ये देखो भाई
छोटी छोटी आमी, कितनी क्यूट सी लग रही है आमी आ गई है। पेड़ की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पेड़ अभी छोटा ही है, लेकिन इस पर छोटी छोटी आमी आने लग गई। ये बड़ी होंगी क्या भाभी? हाँ जी बिल्कुल, मैंगो बनेगा। अच्छा जी, अरे ये नींबू, वाह भाई। और ये लीची, लीची कौन सी है? ये आगे लीची भी है। अच्छा ये पास से दिखा, अच्छा ये री लीची, वाह भाई मौज हो गई पूरी। ये देखो मैंगो, कितनी सारी लग रही है लीचियां, लग जाएगा हैं। हाँ ये रही ना लीची। तो भाई रास्ता देखो और रास्ते की खूबसूरती देखो, दोनों तरफ हैं घने पेड़ और सामने है बद्राज जी का टेंपल। भाई मेरे मोबाइल में इतना जूम नहीं है कि मैं जूम करके दिखाऊं, बाकी ऊपर पहाड़ी के ऊपर है वो देखो, मैंने आपको वहीं से दिखा दिया था जहाँ हम ठहरे हुए थे। अभी हम पहुँच जाएंगे एक लैंड के पास, मतलब जो गुलशन जी की लैंड है वहाँ पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँच के आज भूमि पूजन के लिए आए हुए हैं। और आप ये देखो क्या शानदार लोगों ने ऑलरेडी बना रखे हैं, ये लेफ्ट में देखो, मतलब ऐसी लोकेशन पे आपका एक घर हो, आपका एक छोटा सा सेकंड होम हो, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। क्या ही वेदर रहता है, दिन में तो गर्मी है, खैर मतलब अभी फ़िलहाल तो बहुत तेज़ धूप है, बट हवा में गर्मी नहीं है, हवा एकदम नॉर्मल है, आप बिना पंखे के बिना एसी के आराम से रह सकते हो इस एरिया में। लेकिन हाँ बाहर धूप में निकलोगे तो थोड़ी सी इशू है, तब आपको एसी चाहिएगा। गाड़ी में फ़िलहाल मैंने एसी चला रखा है। बाकी रास्ते का भाई आनंद लो, मज़ेदार रास्ता है। तो ये है भाई लोकेशन, लोकेशन देखो, सामने जो व्यू रहेगा वो रहेगा हमेशा पहाड़ का, मतलब घर के ठीक सामने आपको हमेशा पहाड़ दिखाई देंगे। पूजन के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया पंडित जी ने, अपनी तैयारी कर ली है, जैसी भी हो गई है थोड़ी ख़राब, वरना इससे तो दो मिनट में आराम से खुद जाता, प्रेशर नहीं बन रहा। और गुलशन भाई पूजा की तैयारी में, रहो जी गुलशन भाई को बहुत बहुत जय माता दी। पहाड़ों में भाई सबसे ज़्यादा खर्चा आता है रिटेनिंग वॉल बनाने का, मतलब टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% 40% जाता है इसमें रिटेनिंग वॉल बनाने में, और ये ज़रूरी इसलिए, अदरवाइज़ क्या मिट्टी खिसक जाएगी। तो भाई एक होता है आम आदमी, मतलब जो एक बार घर बना लेता है ज़िंदगी में बना पाता है, और यहाँ पे एक ही दिन में दूसरा मुहूर्त करने वाले होते हैं गुलशन जी। क्यों गुलशन जी? कृपा मैया रानी, बस सबके मकान ऐसे ही बना दी रहे सबके जल्दी जल्दी, तो पंडित जी हवन कराते रहे। हाँ पंडित जी की कृपा बनी रहे, और आप बनाते रहो, कृपा बनी रहे और आप बनाते रहो, हम बनाते रहो माता रानी की। ये जो सामने लाइट दिखाई दे रही ना भाई, ये है देहरादून शहर, मतलब वीडियो में तो पता नहीं कितनी क्लियर आ रही होगी, बट असली में देखने में ऐसे टिम टिम आ रही है, शानदार लुक आ रहा है। और भाई टाइम हो गया है रात के, अभी रुको थोड़ी रोशनी में आए, टाइम हो गया रात के 10 बज गए हैं, खाने की तैयारी चल रही है अंदर किचन में। यहाँ पे मीनू और स्नेहा भाभी लगी हुई है डिनर की तैयारी में। आज क्या बनाया? ओ माई गॉड, आज हम खाएंगे घिया की सब्जी, चावल बनने वाले हैं, ये चावल के लिए कुकर चढ़ गया है, जीरा राइस बनेंगे, वेरी गुड, मज़ा आ जाएगा। तो भाई आज हमारा दूसरा दिन हो गया है ख़त्म, और अभी डिनर विनर करेंगे, सोने की तैयारी करेंगे, कल सुबह निकलेंगे कैंपिंग के लिए बढ़िया लोकेशन पे। अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे शानदार लोकेशन, शानदार कैंपिंग। इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।